मैं नीर तेरे क्यों आख्या मैं नीर काली जा फटे से तेरी मात का भरिया तेरी पानी में अरे मुते बोल निकलता को न्यामा तेरी परेशानी में अरे के तेरा ध्यान पहुंच गया री माता बीती हुई कहानी में अरे करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में दिल में धर ले धीर माँ मेरी दिल में धर ले धीर ओ, काम नहीं मेरे कारण पूछना चाहता हूँ किस कारण से आपकी आंखों से अश्रु धारा बह रही है कौन सा दुख है आपको बेटा हाँ। अगर कारण पूछना चाहते हो जी तो अपना हृदय केड़ा कर ले क्योंकि मुझे लगता है अगर मैंने तुझको ये कारण बता दिया अच्छा। शायद तू मेरी बात ना माने और अपने कदम पीछे हटा ले इस डर की वजह से बेटा मैं तेरे को कारण नहीं बता पा रही ऐसी बात नहीं है माता जी आप कारण बताइए मैं कोशिश करूंगा जो भी आपकी इच्छा होगी उसको मैं पूरा करूंगा मेरी बात सुनिए कहिए अरे जीवन मरण लाभ और हानि जीवन मरण लाभ और हानि यस अप यस खेल विधाता के अरे अच्छी तरिया जानू बेटा ये दस्तूर है दाता के अरे क्या दर्शन करना चाहरी आज खास भरत री ब्राता के अरे धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के पीर माँ मेरी अपने दिल की पीर ओ, ख्याल रखिए मेरी बात का खोल के पता तेरी माता क्यों आख्या मनीर तेरे क्यों आख्या मनीर काड़ जा फटे से तेरी बात का We'll be right back.
धर्म आदरणीय लखन सरपंच साहब सिकोपुर हल्का पटौदी, उनकी तरफ से 1100 रुपए पहले और 1000 रुपए का पुरस्कार दोनों कलाकारों के लिए। और आए एक बार जोरदार तालियों सम्मान कर दे सरपंच साहब का, जोरदार तालियों से। माता श्री कह दे गोपीचंद, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, कैसा कौन सा कारण है जिसके कारण आपको रोना पड़ रहा है? मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जाता, मुझे कारण बताइए। माता श्री, ये शरीर आपकी देन है, आपके चरणों में इस शरीर को मैं अर्पण कर दूंगा, आप मुझे कारण बताइए। हे बेटा, अगर तुम हट करते हो और कारण जानना चाहते हो जी, तो ये दुनिया की परंपरा है कि जो जीव जगत में आया है हाँ, उसे जगत से एक दिन जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मेरे मन में ये बार बार ख्याल आता है कि गोपी चंद की कंचन सी काया है, कहीं वो काया मिट्टी में ना मिल जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुन ले बेटा, कौन सा कारण है जो मैंने आज तक तेरे को नहीं बताया और आज बताना चाहती हूँ। बताइए, सुन ले। अरे बेखटके ते कह तेरी माता, अच्छा बेखटके ते कह तेरी माता, तेरा हुक्म बजाना चाहूं सूं। अरे तू आफत में पड़ जाऊंगा मैं, खोल बताना चाहूं सूं। एक बार कह दे तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सूं। अरे गोपी चंद सुन, गोपी चंद बेटे तन में अमर बनाना चाहूं सूं। गोपी चंद बेटे तन में अमर बनाना चाहूं सूं। आखिर एक दिन आवे से आखिर, खोज ना मिटेगा तेरे खोद के बता तेरी माता, क्यों आख्या मनीर तेरे, क्यों आख्या मनीर काली जापटे से तेरी माँ। कौन सा कारण है जिसके कारण मेरा शरीर नहीं मिटेगा? कौन सी ऐसी दवा है, कौन सी ऐसी विधि है जिसके कारण मैं अमर हो सकता हूँ? हे बेटा हाँ, जो जीव जगत में आया है, जीवन की सच्चाई ही सिर्फ मृत्यु है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तू अपनी 16 रानी 12 कन्या, यहाँ तक कि तेरा राजपाट, तेरी सारी प्रजा, तू इन सब को छोड़ के योग साधना कर ले बेटा, ताकि तेरी काया अमर हो जाए। माता श्री, योग साधना करने से शरीर अमर नहीं हुआ करता, जो इस संसार में आया है उसे जाना पड़ता है, वो कोई भी यतन कर ले, लेकिन इस संसार में नहीं टिक सकता। लेकिन बेटा हाँ, ये एक माँ की ममता है, ये एक माँ का दर्द है, ये तू कभी नहीं समझ सकता। अगर तू मेरे आदेश का पालन करना चाहता है तो मेरा आदेश यही है कि सब कुछ छोड़ दे और ईश्वर के नाम का भजन कर। सुनिए मेरी बात, कह दे। अरे जो आता वो जाता री माता, जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटकइए तू। अरे योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनइए तू। तेरी बात असंभव सी लागे, मन भेद खोल समझिए तू। अरे मिल जागा हरे राम बैसला, पुस्तक बड़ो ली जइए तू। मिल जागा हरे राम बैसला, पुस्तक बड़ो ली जइए तू। तकदीर तेरी खुल जागी तकदीर, ओ कवि ये निराला बैसला का, खोल के बता तेरी
झापट से तेरे